हे हाय हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोग को सूचना देंगे बिहार में आई हुई न्यू भर्ती 2021 के बारे में। जी हाँ, नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, न्यू भर्ती आ चुकी है। तो सबसे पहले बात करेंगे पदों के बारे में। तो तीन अलग अलग प्रकार के पद है। तो सबसे पहले जो आप लोग का पद है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, जिसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप लोग का योग्यता जो है मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ ही साथ 3 माह का कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। 3 माह का कंप्यूटर कोर्स अगर आप लोगों ने किए हुए हैं, आप लोग के पास सर्टिफिकेट है और आप लोग मैट्रिक पास है, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए आप लोग आवेदन दे सकते हैं। दूसरी पोस्ट की बात करेंगे सिस्टम एनालिस्ट की। तीसरी पोस्ट की बात करेंगे तो आप लोग का आपदा प्रबंधक सहायक की। इन तीन अलग अलग प्रकार के पदों हेतु आप लोग का ये विज्ञापन जारी हुई है और ऑनलाइन आवेदन भी आप लोग का शुरू हो चुकी है। तो ऑनलाइन आवेदन आप लोग का जो है 6 मई से स्टार्ट हो चुकी है। अंतिम तिथि की बात करें तो 30/5/2021 तक आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो विज्ञापन जो आप लोग का है संख्या 01/2021 के अंतर्गत है ये भर्ती। तो भर्ती आप लोग का जो है बिहार ग्रामीण जो है विकास संघ के तहत निकाला गया है। लोकेशन आप लोग का बेली रोड पटना है। तो ये भर्ती जो निकाला गया है उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी गई है। ग्रामीण विकास संघ के द्वारा जो है बिहार राज्य के विभिन्न जिले के प्रखंड तथा जो है पंचायत स्तर पर कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर सिस्टम एनालिस्ट कंप्यूटर की तकनीकी समस्या को ठीक करना है, उसी के तहत ये भर्ती हेतु आप लोग का आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये भर्ती उसी के तहत अभी निकाला गया है। तो चयन किस प्रकार से होने वाली है, सिलेक्शन किस प्रकार से दिया जाएगा, वो पोस्ट बाय पोस्ट पद बाय पद यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप लोग का हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड के आधार पे आप लोग को यहाँ पे जो है जॉब मिलने वाली है। जिनका हिंदी और इंग्लिश जो है अच्छा टाइपिंग स्पीड है उनको यहाँ पे पहले मौका मिलेगा, उनको यहाँ पे चयनित किया जाएगा। वही दूसरी और तीसरी पोस्ट के लिए भी ये जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं आगे के बारे में। तो आगे यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि आप लोग आवेदन जो है इस वेबसाइट से जाके कर सकते हैं, www.rda.org.in। ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे जाके आप लोग सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करेंगे जिसके लिए आप लोग का फॉर्म फीस जो है 100 रुपया शुल्क यहाँ पे निर्धारित किया गया है। और बताया गया कि कोई भी अभ्यर्थी एक से अधिक पदों पर आवेदन करता तो उनको अलग अलग आवेदन के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा। ठीक है, अन्यथा उनकी जो है फॉर्म वो निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि तो आप कोई भी जो है तीनों फॉर्म के लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे ये भी सूचना दी गई है कि अभ्यर्थी एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही आवेदन कर सकते हैं। अगर अलग एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करेंगे तो अलग अलग आप लोग का जो है नंबर यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सूचना भी निकल के आई हुई है, ये विज्ञापन पे आप लोग का सूचना दी गई है। अब चलिए जो वेबसाइट यहाँ पे दी गई है इस वेबसाइट पे जो चलते हैं, आगे की जानकारी आप लोग को बताते हैं। तो चलिए हमने जो है इनका वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे हमने गूगल पे टाइप किए हैं rda.org.in, तो ये वेबसाइट ओपन होके अभी आई हुई है। जैसे वेबसाइट पे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोग का रेड कलर का एक लिंक देखने को मिल रहा है, इस जगह देख पाएंगे अप्लाई फॉर असिस्टेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर सिस्टम एनालिस्ट और पंचायत असिस्टेंट ATC। इस लिंक पे आप लोग को क्लिक करना है। तो चलिए इस लिंक पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से और एक पेज ओपन होगी होके आएगी और यहाँ पे आप लोग को सूचना देखने को मिलेगी कि ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट 6 मई 2021 और ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है 30 मई 2021। ठीक, इसी के साथ ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक है, यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक है, अप्लाई करने के बाद जो पेमेंट है वो इसकी लिंक यहाँ पे दी गई है और लास्ट में प्रिंट करने का यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए हमने नोटिफिकेशन आप लोग को दिखला दिए हैं विज्ञापन का। अब ऑनलाइन अप्लाई करने का जो ये सेकंड लिंक है इस पर क्लिक करेंगे। तो इन पर जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक आप लोग का जो है पेज खोल के आएगी और इसमें आप लोग को बेसिक डिटेल्स भरना होगा, जैसे कि आपका नाम, फादर्स नेम, आधार नंबर और कैटेगरी, उसके तत्पश्चात एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी, पिन कोड, ATC। साथ ही साथ लास्ट में आप लोग को एक फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है और सबमिट कर देना है।
जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप लोग के पास सबसे ऊपर एक मैसेज दिया जाएगा कि आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है, लेकिन अब आपको जो है 100 रुपये का जो है चार्ज देना है। जैसे ही 100 रुपये का चार्ज आप लोग अपने अकाउंट से जो है पे करते हैं, तो फिर जाके आप लोग का फॉर्म परिपूर्ण वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये आप लोग का फॉर्म का प्रोसेस था, फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी थी, हमने यहाँ पे डिटेल्स वाइज आप लोग को बता दिए। अब वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो जाए और आप लोग को बताया जाए। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा वो वेबसाइट जिसके तहत अभी भर्ती प्रक्रिया जो है हो रही है और ये भर्ती लिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, rda.org.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इन्होंने यहाँ पे लिंक जारी किए हुए हैं, देख पाएंगे। साथ ही साथ वेबसाइट का डिज़ाइन भी आप लोग देख पाएंगे। वेबसाइट पे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है फोटोज़ भी लगा हुआ है और नीचे तक आएंगे तो कुछ इस प्रकार से वेबसाइट देखने को मिल रही है। इसी के साथ अब आप लोग को बिहार सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ग्रामीण विकास विभाग की, कुछ इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिल रही है, देख पाएंगे। rddbihar.nic.in और ग्रामीण विकास विभाग यानी कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार की ये आप लोग का ताज़ा वेबसाइट है। कुछ इस प्रकार से सेम आप लोग देख पाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटोस लगे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो लिंक है वो कुछ अलग है, यहाँ पे लिस्ट कुछ और चीज़ का जारी किया गया है बिहार सरकार की ओर से। वही सेम वेबसाइट हूबहू आप लोग को जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है इस जगह। और यहाँ पे क्या है कि रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन के नाम से ये वेबसाइट अभी बनाया गया है। तो आप लोग समझदार हैं, आगे समझ जाइए, हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट आप लोग को बता दिए और जिनको समझना है वो लोग समझ चुके होंगे आशा करते हैं। तो ये थी भर्ती की पूरी जानकारी। अब फॉर्म अप्लाई करना है ना है वो आपके ऊपर निर्भर है, हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट आप लोग को बता दिया, आप लोग समझ जाइए। अब आशा करेंगे आप लोग को जो है वीडियो यूज़फुल लगा। वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को और भी भर्ती के अपडेट्स यहाँ पे पूरी जानकारी के साथ मिलता रहे। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी आप लोग के मित्रों को पता चल सके इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन जाते जाते आप लोग को कहना चाहेंगे कि रोज़ाना बिहार की न्यूज़ पेपर कटिंग के माध्यम से अगर आप लोग को प्राप्त करना है, चाहे भर्ती की न्यूज़ हो कोई भी वैकेंसीज की या फिर कैजुअल न्यूज़ हो, आप लोग सभी की पेपर कटिंग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं या फिर फेसबुक पेज से। RPR एजुकेशन नाम से फेसबुक पेज है, ग्रुप भी है, ठीक है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देंगे। ग्रुप पे जुड़ जाइए तो आप लोग को रोज़ाना न्यूज़ मिलती रहेगी पूरे बिहार से, पूरे बिहार भर से, ठीक है। और RPR एजुकेशन पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, वहाँ पे हमने रोज़ाना एजुकेशनल न्यूज़ जो भी निकल के आती है वो सारी अपडेट करते हैं डेट बाय डेट, ठीक है। इसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी सेम करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को नोटिफिकेशन दिया करते हैं, जैसे कि इस भर्ती की नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे आप लोग को शेयर होगी। और यूट्यूब पे आप लोग को इसी तरह भर्ती की जानकारी आप लोग को बताते रहते हैं। बिहार से कोई भी भर्ती निकल के आती है, चाहे रियल हो या फिर फर्जी हो, सभी की जानकारी डिटेल्स आप लोग को बताते हैं, जैसा कि अभी आप लोग को हमने बताए हैं, ठीक है। कुछ कुछ जो है भर्ती के बारे में हमने सस्पेंस भी रखते हैं। तो ये थी पूरी अपडेट्स। इसी तरह अपडेट्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और आप लोग किस ज़िले से हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हमें पता चले कि किस ज़िले से आप लोग वीडियो वॉच करते हैं, देखते हैं। इसी के साथ वीडियो लास्ट में कहना चाहेंगे, जानकारी आप लोग को पसंद आई, यूज़फुल लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, बने रहिएगा, धन्यवाद।